Hi guys, example problem 8.5. A train is approaching a station at 90 km per hour, sounding a whistle of frequency 1000 Hz. What will be apparent frequency of the whistle as heard by a listener sitting uh, on the platform? Uh, what will be the apparent frequency heard by the same listener if the train moves away from the station? विद द सेम स्पीड ठीक है सो यहाँ पर दो सिचुएशन आपको एक साथ दी गई है ठीक uh, है वन बाई वन एक सिचुएशन को टैकल करते हैं ठीक है फर्स्ट सिचुएशन में ट्रेन इज अप्रोचिंग विध दैट मच स्पीड दैट मीन्स नाइन्टी किलोमीटर पर आवर ठीक है इतनी स्पीड से अप्रोच करिए तो ऑबियसली जो यहाँ पर फ्रीकुंसी है वो बेसिकली अपेरट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज अप करेगी ठीक है सेकेंड सिचुएशन में जो फ्रिक्वेंसी है बेसिकली Uh, वो डिक्रीज करेगी बिकॉज़ ट्रेन इज़ एक्चुअली मूविंग अवे ठीक है गाइस सो so, इसको सॉल्व करते हैं हम और डॉपलर्स uh, इफेक्ट से uh, दोनों की अपेरेंट फ्रिक्वेंसीज uh, हम कैलकुलेट करते हैं सो गाइस सोर्स की फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ पर दी जा रही है ठीक है जो कि बेसिकली है ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी लेट्स से थाउजेंड हर्ड्स ठीक है ये सोर्स की फ्रिक्वेंसी है uh, इसके अलावा जो आपको दिया जा रहा है वो स्पीड दी जा रही है ठीक है स्पीड दी जा रही है नाइन्टी किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से ठीक है अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसकी स्पीड है बेसिकली ज़ीरो बिकॉज वो स्टेशनरी है ठीक है और जो स्पीड ऑफ साउंड है बेसिकली तो स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर गिवन है ठीक है स्पीड ऑफ साउंड यहाँ गिवन है एक्चुअली क्वेश्चन इस में इसके साथ स्पीड ऑफ साउंड थ्री फोर्टी मीटर्स पर सेकेंड सो गाइज यहाँ पर दो यूनिट्स आपके पास हो गए थ्री फोर्टी मीटर्स पर सेकेंड और नाइन्टी किलोमीटर्स पर आर तो आप एक्चुअली क्या करेंगे जो स्पीड ऑफ दी सोर्स है बेसिकली यहाँ में एस लिख देता हूँ सोर्स सो इसको आप बेसिकली कन्वर्ट कर लीजिए मीटर्स पर सेकेंड बिकॉज दो यूनिट अलग अलग यूनिट्स को आप एडअप्ट नहीं कर सकते या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ठीक है सो फर्स्ट सिचुएशन में बेसिकली बोथ सिचुएशन में क्योंकि इस ऑब्जर्वर uh, जो है वो uh, जो स्टेशनरी है तो हम क्या करेंगे वी प्लस माइनस यू जीरो डिवाइडेड बाय वी स्पीड ऑफ साउंड प्लस सॉरी माइनस प्लस v s ठीक है क्योंकि ये चीज तो हमारे पास जीरो है मल्टीप्लाई बाय एफ नॉट सी सो so, ये बेसिकली डॉपलर अफेक्ट का फॉर्मूला है ठीक है फॉर दल सिचुएशन डॉपलर अफेक्ट ठीक है गाइस सो so, यहाँ पर दो फॉर्मूले हमारे पास बच जाते हैं बिकॉज ऑब्जर्वर्स की जो वोसिटी है वो जीरो है बट जो सोर्स की वलॉसिटी है वो जीरो नहीं है सो so, यहाँ पर पहली सिचुएशन में क्या होगा गाइस के हम माइनस साइन वाला यूज करेंगे ये ऊपर वाला ठीक है सो so, आपके पास जो फॉर्मूला है एफ इजिक्वल्स टू एफ नॉट वी ओवर v माइनस वी एस ठीक है सो so, इसका मतलब ये है कि क्योंकि अप्रोच कर रही है सो so ये जो डिनोमिनेटर है वो लेस हो जाएगा ठीक है और जो न्यूमिनेटर है वो अबव हो जाएगा सो so, ये फैक्टर वन से बड़ा होगा ग्रेटर देन ग्रेटर देन वन ठीक है सो so, इसका मतलब है जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होने वाली है तो so, ऑब्वियसली ये ऑब्वियस केस है पार्ट वन के लिए मैंने पहले भी आपसे कहा था क्योंकि वो अप्रोच कर रहे हैं ट्रेन जो है वो अप्रोच कर रही है ठीक है सो so, जो वेव है वो फ्रिक्वेंसी uh, इस साइड पर बढ़ना शुरू हो जाएगी अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर स्टेशनरी है इस साइड पर बढ़ना शुरू हो जाएगी और अगर स्टेशनरी ऑब्जर्वर इस जगह पर है सो so ऑब्वियसली इस पॉइंट पर जो है वो इस पॉइंट पे जो वेवलेंथ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से उसको लेसर फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी यानी लेसर वेव्स मिलेंगी पर यूनिट टाइम और सेकंड पर यूनिट सेकंड्स ठीक है सो so गाइज अब यहाँ पर देखते हैं हम सॉरी यहाँ पर जो है वेव लेंथ कम होगी माई मिस्टेक वेव लेंथ कम होगी बट फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी ठीक है क्योंकि इन्वर्सलेशन है और यहाँ पर जो वेव लेंथ है वो बढ़ जाएगी ठीक है बट जो फ्रिक्वेंसी है वो पर यूनिट सेकेंड वो कम मिलेगी ठीक है सो so, हमारे केस में भी यही हो रहा है हमने पहले वाली सिचुएशन में यही रखा है ठीक है सो so, असल में आपको करना ही होता है कि मेक श्योर sure करना होता है कि आप सही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो आप क्रॉस चेक करते हैं एक्चुअली अपने फॉर्मूले को विद दैट ऑफ द सिचुएशन ठीक है सो एफ नॉट आपके पास है सो गाइज यहां पर हमने फ्रिक्वेंसी की वैल्यू रखी है थाउजेंड और वेलोसिटी की वैल्यू थ्री फोर्टी और यहां पर भी वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू थ्री फोर्टी रखी है ठीक है अब वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे सो so, मैंने यहाँ रखा 90 किलोमीटर पर आवर अब मैं यूनिट वाइज इसको चेंज कर रहा हूँ ठीक है so, सो ये सबसे सोफिस्टिकेटेड मेथड होता है आप इसमें कंफ्यूज नहीं होते कि uh, क्या चीज़ एक्चुअली uh, डिवाइड करनी है और मल्टीप्लाई करनी है सो so, आप यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होती है बल्कि आप यूनिट वाइज इसको सॉल्व कर रहे होते हैं सो बिकॉज मुझे यहाँ पर न्यू यूनिट चाहिए मीटर और मुझे जो यूनिट नहीं चाहिए वो है किलोमीटर सो so, मैंने मीटर ऊपर रखा किलोमीटर नीचे रखा सो किलोमीटर टू किलोमीटर कैंसिल इन वन सॉरी इन वन किलोमीटर देर आर थाउजन मीटर्स ठीक है ठीक इसी तरह से इन वन आवर देर आर थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स ठीक है सो आवर टू आवर कैंसिल हो गया बिकॉज मुझे न्यू यूनिट सेकेंड्स में चाहिए था इसी तरह से मुझे न्यू यूनिट मीटर्स में चाहिए था तो ये बहुत आसान होता है ठीक है सो so, थ्री टू जीरोज़ टू टू कैंसिल तो ये हो गया थ्री पॉइंट सिक्स तो मैं नाइन्टी को थ्री पॉइंट सिक्स से डिवाइड कर दूंगा सो so, जब मैं नाइन हंड्रेड को थर्टी सिक्स से डिवाइड करूंगा या फिर नाइन्टी को थ्री पॉइंट सिक्स डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ट्वेंटी फ़ाइव मीटर्स पर सेकेंड सो मैं ट्वेंटी फाइव की वैल्यू जो है वो यहाँ पर रख दूंगा इसकी जगह पर ठीक है ट्वेंटी फाइव सो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा थाउजेंड एंड नहीं ट वाज राउंड टू बी एटी ठीक है थाउजेंड सेवेंटी नाइन पॉइंट फोर सो बिकॉज हम अपेरेंट फ्रिक्वेंसी चेक कर रहे हैं सो फ्रिक्वेंसी बेसिकली हार्ड्स में मेजर होती है सो so, गाइज आप इसका आंसर करेंगे अप्रोचिंग टू यो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल गोइंग टू बी इंक्रीज ठीक है वेन वैन ट्रेन ट्रेन अप्रोचिंग ठीक है अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल इनक्रीज ठीक है सो आप इस तरह से इसका आंसर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम बेसिकली जो दूसरा वाला इसमें से फॉर्मूला है वो यूज करेंगे ठीक है सो दूसरा फॉर्मूला आपके पास है एफ इज इक्वल टू एफ नॉट वी डिवाइडेड बाय प्लस यूएस ठीक है सो so, अब आप यू एस बेसिकली इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे सो गाइज अब आप देख सकते हैं मैंने जैसी वैल्यू पुट करी है थ्री फोर्टी डिवाइड बाई थ्री फोर्टी प्लस टू टर्टी फाइव सो ये वै ये जो फैक्टर है बेसिकली जो ब्रैकेट में है ये लेसर देन वन हो गया सो so, जो आपके पास अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है वो भी थाउजेंड से कम हो जाएगी नाइन थर्टी फाइव कैलकुलेटर गिव्स यू नाइन थर्टी वन पॉइंट फाइव ठीक है सॉरी Nine thirty-one point five, or uh, frequency hertz, we measure. That's it.